हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। तो आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है, सिर्फ इंग्लिश की नहीं बाकी सब्जेक्ट्स की भी, जैसे आपका मैथ्स है, आपकी रीजनिंग है। तो देखिए, जो हमने पिछले लेक्चर्स किए हैं सारे, उसमें तो हमने सिर्फ जनरली रूल्स स्टडी किए हैं, ओके, और उनके ऊपर कुछ बेस्ड एग्जाम्पल्स देखी हैं, कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करी हैं जैसे एग्जाम्स में आती हैं। तो लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं वो जो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ओके। उसका क्या है कि जितना आप करोगे उतना आपके लिए कम है, ओके। जितना करोगे उतना आपके लिए क्या है, कम है, वो है वोकैबुलरी, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों की क्या है, थोड़ी वीक रहती है। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं अच्छे अच्छे और उसकी एक वर्ड लिस्ट बनाई है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है एम्पावर्ड। ओके, फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे हमारे पास एम्पावर्ड। अब देखिए, एम्पावर का मतलब क्या रहता है, टू गिव समवन पावर टू डू एनीथिंग। ओके, जब हम किसी को क्या करते हैं, पावर दे देते हैं कुछ भी करने की, तो उसको हम उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड है हमारे पास एम्पावर। ओके, अब आपको पता है कि अगर एक वर्ड है तो उसका सिनोनिमस भी रहते हैं उनके और एंटोनिमस भी रहते हैं, ठीक है। सिनोनिमस भी रहेंगे और एंटोनिमस भी रहेंगे, तो चलिए वो भी देखते हैं। ओके, जैसे वहां पे था एम्पावर। एम्पावर मतलब किसी को पावर दे देना कुछ भी करने की, मतलब उसको ऑथराइज कर देना। देखिए, ये सिनोनिमस जो होता है वो आपके पर्टिकुलर वर्ड का सेम मीनिंग होता है। ओके, पर्टिकुलर वर्ड के लिए एक अलग सा वर्ड यूज किया होता है जिनका मीनिंग क्या है, सेम रहता है। और एंटोनिमस का क्या रहता है, एंटोनिमस का रहता है कि वो ऑपोजिट होते हैं। ओके, आपके पर्टिकुलर वर्ड से उनका मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट होता है। जैसे ऑथराइज कर देना, ऑथराइज कर देना मतलब किसी को पावर दे देना क्या वह भी कुछ भी कर सकते हो। ओके, और रिजेक्ट मतलब नहीं मानना कुछ, कोई किसी को पावर नहीं देना, रिजेक्ट ही कर देना टोटली उस चीज को। ओके, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको अच्छे से अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। ओके, ओके, वी हैव अ नेक्स्ट वर्ड हियर, इरोड। ओके, इरोड का मतलब रहता है ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय। इरोड का मतलब रहता है ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय। अब देखिए, किसी चीज को तबाह कर देना, नष्ट कर देना, उसके लिए वर्ड जो यूज होता है वो है इरोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब आप देखिए वर्ड है इरोड, इसका सिनोनिमस जो रहेगा वो रहेगा डिस्ट्रॉय। ओके, मतलब तबाह करना, इसका डिस्ट्रॉय रहेगा। और इसका जो ऑपोजिट मतलब एंटोनिमस रहेगा वो क्या रहेगा, अब किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, मतलब तबाह करने का ऑपोजिट होगा बनाना, तो मतलब कंस्ट्रक्ट करना। ओके, कंस्ट्रक्ट करना, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है परसिक्यूट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, परसिक्यूट। टू गिव इल ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीव्स। देखिए, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, इल ट्रीटमेंट को हम हिंदी में कहते हैं बुरा बर्ताव। ओके, अब किसी के साथ इल ट्रीटमेंट करना, बुरा बर्ताव करना, उसकी कास्ट के बेस पे, उसकी रेस के बेस पे, ठीक है, रंग के साथ भेदभाव करना, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक भेदभाव रखना, ठीक है, रिलीजियस मतलब धर्म के नाम पे, जैसे कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, ठीक है, तो अगर वो अलग धर्म से है तो उसके साथ क्या करेंगे, इल ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। तो उसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है वो हमारे पास है परसिक्यूट। ओके, वो वर्ड क्या है, परसिक्यूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हमारे पास वर्ड है परसिक्यूट, मतलब गलत व्यवहार करना, तो अब उसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो क्या है, अब्यूज। वो वर्ड क्या है, अब्यूज। अब्यूज का मतलब यही रहता है, ठीक है, किसी के साथ गलत व्यवहार करना। अब देखिए, गलत व्यवहार करना और फिर उसका ऑपोजिट जो बनेगा वो क्या बनेगा, अच्छा व्यवहार करना। ओके, अच्छा व्यवहार करना मतलब कंफर्ट, किसी को कंफर्ट जोन में रखना उसके साथ अच्छा व्यवहार करके, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, एंटोनिमस आ गया, और ये क्या आ गया, अब्यूज, इसका सिनोनिमस आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इम्बोल्डन। ओके, इम्बोल्डन का मतलब क्या रहता है, टू गिव करेज। इम्बोल्डन का मतलब क्या रहता है, टू गिव करेज, किसी को हिम्मत देना। ओके, इम्बोल्डन का मतलब क्या होता है, किसी को हिम्मत देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, किसी को हिम्मत देना, तो देखिए इसका जो सिनोनिमस रहेगा, मतलब सेम वर्ड जो रहेगा
वो क्या होगा आपका एनकरेज, वर्ड क्या होगा आपका एनकरेज। अब देखिए किसी को हिम्मत देना और उसका ऑपोजिट किसी की हिम्मत तोड़ना, तो मतलब डिसकरेज। डिसकरेज का मतलब हमारे पास रहता है हिम्मत तोड़ना। ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके डिससर्विस, डिससर्विस का मतलब होता है हार्मफुल एक्शन। जब हम कोई हार्मफुल एक्शन करते हैं लाइक कि किसी को हर्ट करने वाला काम, ठीक है, वो क्या हो जाता है एक हार्मफुल एक्शन हो जाता है और उसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है वो हमारे पास होता है डिससर्विस। वो वर्ड क्या होता है डिससर्विस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके जैसे आप देख सकते हैं यहां पे इसका जो सिनोनिमस है वो डिसफेवर। फेवर आपको पता है कि क्या होता है, किसी के हक में काम करना, ठीक है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं फेवर है। अब किसी के हक में काम ना करके उसके ऑपोजिट काम करना, दैट मींस क्या कर रहे हैं हम, डिसफेवर कर रहे हैं उसको। ओके डिसफेवर कर रहे हैं, तो डिससर्विस और डिसफेवर ये दोनों क्या है, इनका मीनिंग जो है वो सेम है यहाँ पे। अब डिसफेवर है तो इसका उल्टा मतलब किसी को बेनिफिट देना, ठीक है, तो बेनिफिट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एंटोनिमस आ जाएगा और सिनोनिमस इसका आएगा डिसफेवर। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैपिटुलेट, ठीक है। कैपिटुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण, ठीक है। क्या मतलब होता है आत्मसमर्पण, तो इसको हम जनरली सरेंडर करना भी बोलते हैं। जैसे कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है, आप एज एग्जाम्पल लेके चल सकते हो अगर मतलब अच्छे से दिमाग में बिठाना है। तो देखिए जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वो उसको बोलती है कि आप सरेंडर कर दो, राइट। तो ये वही वाला सरेंडर है, बस इसको थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट दे दिया गया। ओके ये वही वाला सरेंडर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके अब हमारे पास वर्ड है कैपिटुलेट, उसके सिनोनिम्स भी हैं और उसके एंटोनिम्स भी हैं। जो उसका सिनोनिम है वो है सरेंडर। ओके आत्मसमर्पण करना। अब कोई इंसान आत्मसमर्पण करेगा तो उसका उल्टा क्या रहेगा कि वो खुद के बचाव में कुछ करेगा, ठीक है, लड़ाई करेगा या कुछ भी करेगा, फाइट करेगा, ठीक है। तो जो वर्ड हम इसके लिए यूज करेंगे वो क्या है हमारे पास, फाइट। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है हमारे पास, डिसक्विट, ठीक है। डिसक्विट का जो हमारे पास मतलब होता है व्याकुल होना, ठीक है। जब हम क्या होता है कि किसी के मतलब परेशान है, वरी रहते हैं, ठीक है, वो जो एक फीलिंग होती है व्याकुल होने की उसको हम लोग बोलते हैं डिसक्विट। ओके उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसक्विट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब जो डिस्क्विट है इसके सिनोनिम्स भी हैं और एंटोनिम्स भी हैं। जो इसका सिनोनिम रहेगा वो रहेगा वरी, सिंपल। ओके वरी मतलब किसी की परवाह करना, किसी के लिए व्याकुल होना, वरी करना। ओके अब हम किसी के लिए वरी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उसका उल्टा रहेगा वो क्या रहेगा कि अपने में मस्त रहना, कंफर्टेबल रहना, किसी की कोई टेंशन नहीं। ओके तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, कंफर्ट वर्ड यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है प्रेसिडेंट। ओके प्रेसिडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो हमारे पास रहता है वो होता है कोई पुराना उदाहरण, ठीक है, पुरानी एग्जांपल, ओल्ड एग्जांपल। अब देखिए एन अर्लियर एक्शन दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जांपल, कोई मतलब पुराने टाइम में कुछ हुआ हो उसको आप एज अ एग्जाम्पल लेके चल रहे हो अभी तक, तो वो उस वर्ड का मतलब हमारे पास क्या रहता है, प्रेसिडेंट रहता है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर वर्ड जो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। सिनोनिम भी है इसके और एंटोनिम्स भी हैं। सिनोनिम रहेगा एग्जाम्पल ऑब्वियसली, ठीक है, कोई उदाहरण। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट होता है बाद में होना, ठीक है। जो हमारा ये प्रेसिडेंट है इसका मतलब ये है कि जो मतलब चीज पहले हो चुकी है उसको हम अभी एज ए एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, लेकिन सब्सिक्वेंट का मतलब क्या रहता है, बाद में, ठीक है, पहले की कोई भी चीज उसमें यूज नहीं होगी, वो बाद का रहेगा जो भी। ओके तो जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे वो है कैंडिडली, इन एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, ठीक है। मतलब जो इंसान ईमानदार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी बात पीठ पीछे ना करता हो, सामने बात करता हो, ठीक है। आप इन द सेंस कह सकते हो कोई फ्रैंक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, कोई फ्रैंक पर्सन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम भी दिया गया और एंटोनिम भी दिया गया। सिंसियरली मतलब सच्चाई से, ठीक है। अब जो फ्रैंक पर्सन होते हैं वो जो बात होते हैं मुंह पे बोलते हैं, ठीक है, पीठ पीछे कोई बात नहीं करते, तो मींस कि वो क्या है, एकदम सच्चाई के साथ चल रहे हैं, ठीक है, सिंसियरली काम कर रहे हैं अपना। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं, अब सिंसियर मतलब सच्चाई के साथ है, तो झूठ के साथ जो रहेगा उसका उल्टा आ जाएगा यहाँ पे, डिसऑनेस्टली, ठीक है, डिसऑनेस्टली। आई होप कि सबको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे।
नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे शिक्षियम, ठीक है। शिक्षियम एक वर्ड है, इसका क्या मतलब है? अ स्प्लिट और डिवीजन बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग पार्टीज, ठीक है। शिक्षियम का मतलब है अ स्प्लिट और डिवीजन बिटवीन टू पार्टीज, जब क्या हो जाए, दो पार्टीज, दो कोई स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं, आपस में क्या हो जाए, टूट जाए, स्प्लिट हो जाए, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारे पास शिक्षियम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब इसके सिनेनिम भी हैं और एंटोनिम्स भी हैं। देखिए सेक्शियम मतलब डिवीजन हो रही है, तो देखिए इसका सिनेनिम यहाँ पे आ चुका है, और डिवीजन का उल्टा मतलब साथ जुड़ रहे हैं, साथ मिल रहे हैं, तो दैट मींस की यूनियन। ओके, उसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हो गया हमारे पास? यूनियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्ट्रे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? स्ट्रे, मूव अवे फ्रॉम द राइट पाथ। जब कोई इंसान सही रास्ते से भटक जाए या कोई भी सही रास्ते से भटक जाए तो हम उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड कौन सा यूज करते हैं? स्ट्रे, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब इसका जो सिनेनिम है, स्ट्रे मतलब भटकना, तो ड्रिफ्ट का मतलब भी क्या रहता है हमारे पास? भटकना, ठीक है। तो ये इसका सिनेनिम आ गया, भटक गया है और उसका उल्टा रहेगा रुका है वहीं पे, तो मतलब स्टे। ओके, इसका जो एंटेनिम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? इसका स्टे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लेवरेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? लेवरेज, पावर और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल। पावर और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल मतलब किसी इंसान के अंदर इतनी क्षमता होना, इतनी पावर होना कि वो लोगों को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अदरवाइज जो लेवरेज का मतलब होता है वो होता है हमारे पास लाभ उठाना, ठीक है। अब कोई अट्रैक्ट करेगा तो उससे ऑब्वियसली वो प्रॉफिट उठाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका सिनोनिम जो रहता है एडवांटेज, एडवांटेज वही चीज आ गई, ठीक है, लेवरेज वाली, कि एडवांटेज लेगा उस चीज का, ठीक है, लाभ उठाएगा। अब जो इसका लाभ उठा रहा है तो ये इसका क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो मतलब क्या है यहाँ पे? ये पावरफुल दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इसका उल्टा हो जाएगा वो क्या शो करेगा? उसकी अपनी वीकनेस शो करेगा। क्या शो करेगा? वीकनेस। तो ये इसका क्या आ गया? एंटोनिम्स आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे डॉज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डॉज, अवॉइड समवन और समथिंग बाय अ सडन और अ क्विक मूवमेंट, ठीक है। डॉज का मतलब हमारे पास क्या रहता है यहाँ पे? झांसा देना। ओके, डॉज का मतलब होता है झांसा देना, कि किसी को अवॉइड करना, ठीक है, अपनी सडन और क्विक मतलब जल्दी जल्दी अपनी मूवमेंट से किसी को क्या कर देना? अवॉइड कर देना। जनरली इसका हिंदी में मतलब क्या रहता है? झांसा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, तो जो इसका सिनोनिम रहेगा वो रहेगा ट्रिक, ठीक है। सिनोनिम क्या रहेगा? ट्रिक, क्योंकि जो झांसा देना है वो भी एक तरह की क्या है? ट्रिक है। कोई सडन मूवमेंट शो करना वो एक ट्रिक ही होती है, ठीक है। तो जनरली हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे सिनोनिम में? एज अ ट्रिक, ठीक है। तो दोनों का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो इसका एंटोनिम रहेगा मतलब वो क्या रहेगा यहाँ पे? डॉज है, कि अपनी जल्दी जल्दी अपनी मूवमेंट्स को बदलना, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या रहेगा हमारे पास? जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा सस्टेन, मतलब लंबे समय तक रुकना, ठीक है। सस्टेन का मतलब लंबे समय तक रुकना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है टॉर्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है टॉर्चर्स, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। ओके, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। जनरली इसको हिंदी में अगर मतलब शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो इसको बोला जाता है कपटपूर्ण, ठीक है, मतलब जिसमें ये शातिरपन जो होता है ना वो शो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। जिसका सिनोनिम आता है इनडायरेक्ट। अब कोई इंसान ट्विस्ट एंड टर्न मतलब ट्रिक्स के साथ काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो टेढ़ा मेढ़ा जाके ही काम करेगा, कोई डायरेक्ट काम तो नहीं करेगा। तो इसलिए जो पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ सिनोनिम वो क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट। ओके, अब इनडायरेक्ट है तो सिंपल, जो इसका उल्टा होगा वो होगा डायरेक्ट, ठीक है। चलिए जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अब है इम्पॉन्ड्रेबल, ठीक है। वर्ड क्या है? इम्पॉन्ड्रेबल। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? अ फैक्टर दैट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, मतलब कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जिसका एस्टिमेट मतलब जिसका अनुमान लगाना भी क्या है? बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। जिसका अनुमान लगाना क्या है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलिए देखते हैं। इम्पॉर्टेबल वर्ड यहाँ पे इसका सिनोनिम भी है और इसका एंटोनिम्स भी है, ठीक है। इंटेगेबल, इंटेगेबल का मतलब भी यही होता है, कोई ऐसी चीज जिसको आप सोच भी ना सको, ठीक है। और कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मतलब जिसको आप सोच सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिसको सोच नहीं सकते तो इसका उल्टा तो यही होगा ना, कि सोच सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्रक्टिफाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फ्रक्टिफाई, मेक समथिंग
फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव, मतलब कोई चीज, कोई भी चीज उसको लाभदायक बना दिया जाए, ठीक है, ताकि उससे आने वाले टाइम में हमें कुछ लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके वर्ड्स, सिनोनिम भी है, एंटोनिम्स भी है। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब कोई भी चीज उसको ऐसा बना दिया जाए कि उससे आपको आने वाले टाइम में लाभ ही लाभ मिले, ठीक है। वेरन का मतलब, वेरन उसका उल्टा रहता है कि कोई भी लाभ नहीं मिल रहा उससे, ठीक है, लॉस ही लॉस है, लाभ नहीं मिल रहा कोई भी, ओके। तो फ्रूटफुल इन द सेंस कि क्या करना है, किसी भी चीज को लाभदायक बना देना है, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे वेवर, ठीक है, जिसका मतलब है सेक्रीफाइस। वेवर का मतलब होता है सेक्रीफाइस, मतलब त्याग करना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, इसका सिनोनिम रहेगा सेक्रीफाइस, ठीक है, सिंपल, सेक्रीफाइस त्याग करना। अब कोई त्याग कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका उल्टा ऑब्वियसली यही होगा कि वो क्या कर रहा है, खुद के लिए लड़ रहा है, तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइट बन जाएगा। एंटोनिम क्या बनेगा, फाइट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है असेसिनेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, असेसिनेट। असेसिनेट का मतलब क्या होता है, मर्डर एन इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल आर रिलीजियस रीजंस, ठीक है। मर्डर ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल आर रिलीजियस रीजंस, ठीक है। असेसिनेट का मतलब होता है हत्या करना, ठीक है। अब देखिए, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की, किसी अच्छे का मतलब खास इंसान की क्या है, अगर आप मर्डर करोगे किसी भी, किस किस रीजन से, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रीजन से या फिर कोई धर्म वाला रीजन होगा, तो इन दैट केस उसको क्या कहा जाएगा, असेसिनेट कहा जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, ओके, इसके सिनोनिम आ जाते हैं किल करना, मतलब मारना, टर्मिनेट करना भी मारना ही होता है, ठीक है। और इसका उल्टा आ जाएगा किसी को सांस देना, तो क्या आएगा, ब्रीथ लाइफ इनटू, ठीक है, इसका एंटोनिम आ जाएगा ब्रीथ लाइफ इनटू। आई होप कि क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे हैंडीवर्क, ठीक है। हैंडीवर्क मतलब मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, सामने इसके नाम से ही पता चल रहा है हैंडीवर्क कि कोई भी चीज जो हाथों से बनाई जा सके, ठीक है, उसको वो क्या कहेगा आपका, हैंडीवर्क कहलाएगा, ओके, क्या कहलाएगा आपका, हैंडीवर्क। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट, ओके, इसका सिनोनिम रहेगा क्रिएशन। अब मतलब कोई हाथ से कोई चीज बना रहा है तो ऑब्वियसली न्यू टाइप की होगी, तो वो क्रिएशन में ही आएगी, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब इस टाइप का कोई चीज है ही नहीं, क्रिएशंस वगैरह कुछ है ही नहीं, उसको टोटल क्या है, इग्नोर है, ठीक है, इसका एंटोनिम आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये सब कुछ। तो ये कुछ वर्ड्स थे हमारे जो आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, तो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।